बड़ी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है इस सीएम योगी मेकिंग यूपी एंटी मुस्लिम स्टेट। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चेक कर लेंगे, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव ठाकुर और 18 नवंबर 2023 को योगी जी ने यूपी में मुस्लिम्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेथ हलाल प्रोडक्ट्स के सेल्स, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर इमीडिएट बैन लगा दी। और इसके बाद पूरे यूपी के सुपरमार्केट्स और जनरल स्टोर्स में कुछ ऐसा मंजर दिखने लगा। हर जगह पर फूड डिपार्टमेंट्स की रेट्स। अब ऑलरेडी यूपी में इस पॉलिसी के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो चुका था कि इसके सिर्फ 6 दिनों बाद 25 नवंबर 2023 को योगी जी ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी तेलंगाना में इलेक्शंस जीत कर आती है तो वो दो मुख्य बदलाव लाएंगे। पहला, मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली खत्म करके उसके जगह पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरी, वो हैदराबाद शहर का नाम बदल देंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति एससी एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। तो अब यहाँ पर यह सवाल आना बिल्कुल जायज है कि क्या फुल मेजोरिटी में लगातार दो असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद योगी जी ने फाइनली अपने एंटी मुस्लिम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वेल, लेकिन ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वो ये है कि हलाल बैन दरअसल मुस्लिम्स को ही रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लाया गया। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या हलाल बैन इन यूपी वाकई में बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी है, या फिर इसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई छुपी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, इंट्रीकेसीज को समझना पड़ेगा कि हलाल इंडस्ट्री काम कैसे करती है, एंड एट द सेम टाइम क्या योगी गवर्नमेंट पर ऐसे कोई कंपल्शंस है कि उन्हें ये एक्शंस लेना पड़ रहा है। सो पूरा मुद्दा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि क्या ये डिसीजन सही था या गलत। सो हैविंग सेड दैट, मुझे बिल्कुल भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि योगी जी के पहले की कई सारे पॉलिसीज को लो की एंटी मुस्लिम माना गया। जैसे कि 2017 में जब योगी जी पहली बार यूपी के सीएम बने थे तो उन पर यह आरोप लगा कि वो मुस्लिम्स के लाइवलीहुड और हिस्ट्री दोनों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में ही उन्होंने स्लॉटर हाउसेस को बंद करवाया था। अब बेशक उन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इसमें एक मैसिव कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए छाई क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स से पहले स्लॉटर हाउसेस को बंद करा रही थी और फिर डिसाइड कर रही थी कि वो हाउसेस लीगल है या नहीं। इसके बाद अगले साल 2018 में दो प्रोमिनेंट सिटीज अलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या कर दिया। इसके अलावा योगी जी ने पब्लिकली अनगिनत प्रो हिंदू बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से कुछ तो बॉर्डर लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे, और इसीलिए इन पॉलिसीज और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से उनका एक एंटी मुस्लिम इमेज फ्रेम ही हो रहा था कि 2023 में योगी गवर्नमेंट ने एक और एक बड़ा बॉम्ब गिरा दिया, द हिस्टोरिक हलाल मीट बैन इंप्लीमेंट करवा के, और वो भी सिर्फ एक इंसान के कहने पर, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी थोड़ी बड़ी भी हो गई। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि 17 नवंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाया गया। इस एफआईआर में बेसिकली हलाल सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले प्राइवेट एजेंसीज को आईपीसी के 9 सेक्शंस में बुक किया गया। ये सारे सेक्शंस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इनमें दर्ज किया गया। ये एफआईआर बीजेपी के एक ही कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के एप्लीकेशन पर दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि हलाल प्रोडक्ट्स का पैसा एंटी नेशनल और टेरर फंडिंग के लिए यूज हो रहा है। अब शैलेंद्र के इस एप्लीकेशन पर नेक्स्ट डे 18 नवंबर को ही पूरी यूपी स्टेट मशीनरी एक्टिव हो गई और स्टेट के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड मारने लगे। केवल 3 दिनों के अंदर 2275 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को सीज किया गया। अब जाहिर सी बात है इस इमीडिएट एक्शन से डर फैलना लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। यूपी में एक नेगेटिव माहौल छा गया, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए योगी गवर्नमेंट का फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स
के फायदे के लिए लाई गई है। एक्चुअली योगी गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट कंपनीज मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने के लिए ये स्कैम कर रही है। और साथ ही उनका कहना यह भी था कि कंपनीज हलाल प्रोडक्ट्स और मुस्लिम्स दोनों को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रही है क्योंकि ये दोनों ही उनके नेक्स्ट बिग कंज्यूमर्स होने वाले। यही कारण है कि कंपनीज अपने हर प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट्स लगा रही है जिसकी जरूरत भी नहीं है। यहां तक कि बाबा रामदेव जी की पतंजलि को भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उन्हें भी जमायत उलेमा ए हिंद से हलाल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स, पर्सनली जब हमने इस पर रिसर्च किया तब हमारे सामने ये बात आई कि हलाल वाकई में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जो और किसी को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को ही सबसे ज्यादा लूट रही है। और इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास काफी सारा डेटा भी है जो मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा। बट नॉट ओनली मुस्लिम्स, इस वजह से जो एक्स्ट्रा लागत कंपनीज को लग रही है ये सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, उस वजह से प्रोडक्ट्स का जो फाइनल प्राइस बन के आ रहा है वो नॉट ओनली मुस्लिम्स को बट ऑल्सो हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। सो ऑल इन ऑल, उन प्रोडक्ट्स में जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की जरूरत भी नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफिकेशन उस प्रोडक्ट के वैल्यू को एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है। एंड जस्ट गिव मी अ लिटिल व्हाइल, लेट मी प्रूव दिस टू यू। सो सबसे पहले तो हैव यू एवर वंडर्ड कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, अडानी, टाटा, पार्ले, हिंदुस्तान यूनिलिवर, अमूल, डाबर, नेस्ले, ये सभी हलाल सर्टिफिकेट्स होल्डर क्यों हैं? क्या आपको इवन पता था कि ये कंपनीज हलाल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं? इनफैक्ट प्राइवेट एंटिटीज छोड़ो, आप सोचो गवर्नमेंट खुद हलाल प्रोडक्ट सर्व कर रही है। एंड नॉट जस्ट फॉर नॉन वेज प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर वेज प्रोडक्ट्स जिसमें हलाल की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि ये चाय। 19 जुलाई 2023 को वंदे भारत ट्रेन में हलाल सर्टिफाइड चाय सर्व की जा रही थी। अब सोचने वाली बात तो यह है कि चाय जैसे एक वेज आइटम में गवर्नमेंट को हलाल सर्टिफिकेट निकालने की क्या जरूरत पड़ रही है। और यहाँ पर चाय की बात अकेले नहीं हो रही है, कॉफी, पनीर, नट्स और सोया ऐसे आदि वेज प्रोडक्ट्स पर भी आज हलाल सर्टिफाइड लोगोज लगाए जा रहे हैं। अब यहां तक भी चलो मान लेते कि ये सभी फूड आइटम्स है, लेकिन वॉट अबाउट नॉन ईटेबल आइटम्स जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज इमामी, कैबिन केयर, हिमालय, और ये क्यों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? वेल, आंसर सिंपल है, कंपनीज हलाल सर्टिफिकेशंस का यूज करके मुस्लिम साइकी को ट्रिक कर रहे हैं। याहू फाइनेंस पब्लिश्ड में एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हलाल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2030 तक इसका मार्केट साइज 6,044 बिलियन डॉलर्स तक हो जाएगा जो कि पूरे दुनिया की GDP का 5% है। कैन यू इमेजिन दैट? साथ ही 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 2.32 बिलियन हो जाएगी, यानी कि आने वाले सालों में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ने ही वाली है। दरअसल हलाल और हराम ये दोनों वर्ड्स कुरान में मेंशन्ड है जो डिक्टेट करते हैं कि मुस्लिम्स को क्या करना है और क्या नहीं। हलाल और हराम दोनों ही अरबिक वर्ड्स है जिसमें हलाल का अर्थ होता है परमिसेबल यानी कि वैलिड और हराम का अर्थ होता है नॉट वैलिड। और इस्लाम में हलाल स्पेशली मीट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाई करके दिया गया एक चेकलिस्ट के तौर पे कि एक कैसा मीट कंज्यूम करना चाहिए। मीट का बुचर कोई मुस्लिम ही होना चाहिए, किसी डेड एनिमल का मीट हलाल नहीं है, और मीट तभी एडिबल होगा जब उसका ब्लड पूरी तरह से ड्रेन हो गया होगा। और इसीलिए आपने बुचर शॉप्स में भी देखा होगा कि यूजुअली जानवर के विंड पाइप को कट करके उसे उल्टा हैंग किया जाता है ताकि उसका ब्लड पूरी तरीके से उसकी बॉडी से ड्रेन हो जाए। इसके अलावा जानवर को मारने से पहले उसके लिए एक इस्लामिक प्रेयर शहादा भी पढ़ना चाहिए। अब क्योंकि हलाल इस्लामिक फेथ का एक एसेंशियल पार्ट है और एक मुस्लिम के लिए हलाल कायदे के अकॉर्डिंग बिहेव करना प्योर माना जाता है, इसीलिए मुस्लिम्स स्पेसिफिकली हलाल शब्द से बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। और इसीलिए यूपी में योगी गवर्नमेंट ने हलाल पर बैन लगाते हुए जो पहला रीजन दिया है उसके अनुसार कंपनीज हलाल के बहाने से एक प्रोपोगंडा स्प्रेड कर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रही है। एंड यस, यही उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। सो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलो इसके पीछे के मीनिंग को समझते हैं। सो मानिए एक मुस्लिम कस्टमर किसी शॉपिंग मॉल से ब्रांड्स ABC में से ब्रांड ए का राइस अब तक लेते आया है क्योंकि वो ब्रांड उसके बजट में फिट बैठता है। अब अचानक से किसी दिन ब्रांड बी राइस पैकेट पर हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो लगाकर प्राइस को 10 रुपए बढ़ा देता है। अब इस हलाल लोगो को देखकर मुस्लिम कस्टमर्स अपने बजट से बाहर जाकर भी ब्रांड बी का राइस खरीदेंगे और इस एक सिंपल टैक्टिक के वजह से अचानक से ब्रांड बी का सेल्स हो जाएगा ऑल द वे अप क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी केवल एक ब्रांड को स्पेसिफिक प्रेफरेंस दे रही है। सो अब ऑफकोर्स इसे देखकर दूसरी कंपनीज भी हलाल सर्टिफिकेशन हासिल करने लगेंगे और वो भी अपने राइस को 10 रुपए बढ़ा देंगे। सो जाहिर सी बात है, इससे
पहली प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि ओवरऑल उस प्रोडक्ट का मार्केट में रेट ही बढ़ जा रहा है फॉर ऑल द कस्टमर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ्स। दूसरी प्रॉब्लम, एक नॉन मुस्लिम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हलाल हो या ना वो तो खरीदेगा ही, बट ये बात कंपनीज जानती है और इसीलिए वो अपने सारे प्रोडक्ट्स पर, चाहे उसे हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत हो या ना, उस पर हलाल लोगो लगा रही है और इससे हो ये रहा है कि हर एक नॉन मुस्लिम कस्टमर मजबूरन एक्स्ट्रा पैसे देकर हलाल प्रोडक्ट ही परचेस करने के लिए फोर्स हो रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड एक पिटीशन के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन 1974 में स्टार्ट हुआ था और 1993 में इसे नॉन मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्सपांड किया गया। सो बेसिकली क्या इसका मतलब 1974 से पहले मुस्लिम्स नॉन हलाल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे? वेल काइंड ऑफ यस, मगर शायद ही किसी के दिमाग में ये चीज रजिस्टर हुई थी जब तक इसका नीड नहीं क्रिएट किया गया बाय दी कंपनीज। एक्चुअली मार्केटिंग में ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और काफी पुरानी भी स्ट्रेटजी है कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए नीड क्रिएट करना आवश्यक है। हलाल के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गई। अब प्रश्न उठता है योगी गवर्नमेंट के दूसरे रीजन पर। सो यूपी गवर्नमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हलाल सर्टिफिकेट बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हलाल का एक प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि बुचर मुस्लिम ही होना चाहिए, तो इस कारण से कंपनीज को मजबूरी में केवल मुस्लिम बुचर्स को ही हायर करना होगा, यानी कि दूसरे कम्युनिटी के लोग इस बिजनेस से धीरे धीरे आउट हो जाएंगे, यानी कि बेसिकली इकोनॉमी में एक हेल्दी कंपटीशन खत्म कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे में एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करो तो इंडिया में ये हलाल सर्टिफिकेट्स सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही देते हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। जैसे आपको पता होगा देश में फूड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ऑलरेडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI मौजूद है और ये लोगों आपने तमाम फूड प्रोडक्ट्स पर देखा भी होगा, तो फिर हलाल फूड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए एक पैरेलल प्राइवेट सिस्टम क्यों और कैसे चल रहा है? इंडिया आज दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हलाल मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी देश में कोई गवर्नमेंट एजेंसी हलाल सर्टिफिकेशन देने का काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ये सर्टिफिकेशंस देते हैं, जो कि रिजल्टिंगली इन इंस्टीट्यूट्स के लिए अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। थोड़ा सा ही रिसर्च करने पर पता चल जाता है कैसे। सो जामिया उलमाई हिंद हलाल ट्रस्ट देश की एक प्रोमिनेंट हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो फीस लेकर कंपनीज को हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और ये है उनका रेट लिस्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो रेट लिस्ट में न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ऑडिट सभी के लिए सेपरेट चार्जेस है। अब इस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सपोज कोई कंपनी एम फर्स्ट टाइम 3 साल के साइकिल के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना चाहती है, तो एम को अपने 50 प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए ये प्राइस पे करना पड़ेगा। 3 साल की साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 60,000 और 50 प्रोडक्ट्स के लिए पर प्रोडक्ट 1,500 रुपीस के हिसाब से 50 × 1,500 = 75,000 रुपीस और साथ ही 18% GST, यानी कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस हुआ 1,59,300। उसके बाद अगला फीस है हलाल लोगो प्रिंटिंग, जिसका प्राइस है 20,000 प्लस 18% GST पर ईयर। सो एग्रीगेट करके 3 साल के लिए हलाल लोगो प्रिंटिंग के चार्जेस 70,800 रुपीस हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली बिना ऑडिटिंग के तो काम होगा नहीं, तो अगर 4 ऑडिटर्स की टीम कंपनी एम में 2 दिनों का साइट इंस्पेक्शन करती है, जो कि मैंडेटरी है, तो उन्हें 2,000 पर डे पर मैन के हिसाब से ऑडिटिंग चार्जेस 16,000 रुपीस भरना होगा। सो इन सभी चार्जेस का ग्रैंड टोटल हो जाता है 2,46,000 रुपीस। अब एम जैसी कंपनी जिसके पास 50 प्रोडक्ट्स है वो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस केवल हलाल सर्टिफिकेशन के लिए पे कर रही है। सोचिए देश में ऐसी कितनी कंपनियां हैं, और कितनी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स 50 से भी कहीं ज्यादा हैं, वो सब मिलकर कितना प्राइस हलाल सर्टिफिकेशंस के लिए पे कर रहे हैं। और अब कंपनीज मार्केट में क्यों हैं? मुनाफा कमाने के लिए। वो कंपनियां ये फीस अपने जेब से नहीं भरने वाली है, लास्ट में एंड कंज्यूमर ही इसे चुकाने वाला है, जो कि हम है। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीज एंड ऑल। अब मुस्लिम्स तो इसके लिए ज्यादा पैसा पे कर ही रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में जहां पर हलाल की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम नॉन मुस्लिम कंज्यूमर्स को भी मजबूरन हलाल के एक्स्ट्रा चार्जेस भरने ही पड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है, एक नॉर्मल सैलरीड इंडियन जो ऑलरेडी इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, GST और अन्य ऐसे दूसरे तमाम टैक्स, रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा गवर्नमेंट को तो पे ही कर रहा है, क्या उससे अब जबरदस्ती हलाल टैक्स भी वसूल किया जाएगा? और नॉन मुस्लिम्स जो कि इंडिया में मेजोरिटी है, क्या उन्हें भी चॉइसलेसली हलाल प्रोडक्ट्स को यूज करना ही होगा? वेल मार्केट में जैसे-जैसे हलाल
हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, किसी के पास इन प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव्स का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। और जो मुस्लिम्स इस पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझते हैं, वो भी जाने अनजाने में इस चीज से परेशान है, क्योंकि उन्हें जिन प्रोडक्ट्स में हलाल की कोई जरूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट्स में भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट काफी बड़ा हो सकता है। सो क्लियरली यहां पर किसी तरह के रेगुलेशन की जरूरत है, और यह है पर्सनली मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे मामले में। और शायद ऐसा हो सकता है कि योगी गवर्नमेंट भी इस सिचुएशन को इसी एंगल से देख रही है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये मूव मुस्लिम्स के ही बेनिफिट के लिए है। अब डेफिनेटली हलाल मीट प्रोडक्ट्स का इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया ब्राजील के बाद इस्लामिक कंट्रीज को हलाल मीट एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा देश है, और 2021 में लगभग $15.4 बिलियन का हलाल मीट इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था, यानी कि हलाल फूड्स का एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल भी है। सो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर इस पूरे सिचुएशन को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाए, तो यस, हमें हलाल सर्टिफिकेशंस की जरूरत भी है, लेकिन इसको रेगुलेट करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से हमने सही जगह पर इस्तेमाल किया तो ये हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा, और उसके साथ हमारे देश के मुस्लिम्स के फेथ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इसी हलाल इकोनॉमी को अगर कुछ गलत लोग, गलत इंस्टीट्यूट्स मनी मिंटिंग के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये सरासर मुस्लिम फेथ का और कंज्यूमर्स का फायदा उठाना हो जाएगा। और इसीलिए वैसे लोगों को हमें आइडेंटिफाई करके ऐसे लॉज बनाने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में हो रहे डैमेजेस से बचा जा सके। एग्जाम्पल के लिए सऊदी को ही ले लो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ये सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी है जो पूरे सऊदी अरेबिया में हलाल सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से रेगुलेशन को इजीली सेंट्रलाइज किया जा सकता है। ऑल्सो गवर्नमेंट को इससे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, अनलाइक इन इंडिया। सो इससे क्लियरली दोनों का फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट का भी और फाइनल कंज्यूमर्स का भी। सो मेरे हिसाब से ऐसा कोई सोल्यूशन ही सबकी भलाई में हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपके हिसाब से भी इट्स हाई टाइम इंडिया रेगुलेट्स हलाल इंडस्ट्री? अब क्या बीजेपी ने ये इलेक्शंस के लिए किया था, या इसके पीछे कोई और वजह थी? इस मुद्दे को मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जो आई हाईली रिकमेंड यू शुड चेक इट आउट, ताकि आपको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में नॉलेज मिल सके। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी हलाल मामले का एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ज्ञात हो। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। भाई, दुनिया की हर सोसाइटी में ना आपको कोई ना कोई इशू जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उस इशू को जो है ना भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाना ना बहुत कम लोगों को जो है ना आता है, और जिन लोगों को आता है वो उससे जो है फिर अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जो है वो अर्न करते हैं। मुझे तकरीबन कोई जो है ना, आज से मैं कोई 10, 11 या 12 साल पहले की बात करूँ, जब मैं कॉलेज लाइफ में था अपनी, तकरीबन हाँ 12-13 साल पहले की अगर बात करूँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है तब लेस के प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नए नए आए थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, और हाइपर मार्केट में आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट जो है ना 50 रुपये का, जैसे एक बड़ा पैकेट था उसके साथ एक पैकेट जो है ना आपको जो है ना वो फ्री जो है वो मिल रहा था। और लिटरली उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो बाकी जो आपको जो जो चिप्स की मार्केट है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डाउन जो है वो देखने को मिली थी। तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई कि भाई जो लेस के उस टाइम जो प्रोडक्ट है उसमें जो है वो आपको जो ऑयल है वो जो है वो हराम जानवर का जो है वो देखने को जो है वो बिल्कुल। तो उसके बाद जो है आपको एक चीज़ जो है वो नज़र आई कि बकायदा कंपनी की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट पर जो है वो हलाल लिखना जो है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भाई सवाल ये आता है सबसे पहले कि भाई चलें ठीक है, आपको मीट के लिए जो है ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो वेज में आती हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी अगर अब आकर जो है ना ये वीडियो देखने के बाद जो है ना मेरे वो जहन में वो चीज़ें चल रही थी कि आप देखते हैं भाई चॉकलेट्स के उस पर, कॉफ़ी के डब्बों पे, या क्या कहते हैं उसको, आप स्वीट कॉर्न्स लेने जाते हैं, आप जो है वो ब्रोकली लेने जाते हैं, ये कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आपको हर चीज़ पर जो है ना ये हलाल जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है। बेशक सारे हराम से पैसा कमा रहे हो, लेकिन हलाल जरूर लिखा हुआ नज़र आता है। अच्छा, वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है ना, सीरियसली आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसका कारण मैं ये बोलूँगी कि इस वीडियो से पहले, मतलब अभी जैसे हम लोग ग्रॉसरी करने जाते थे, ठीक है ना, अगर तुम्हें याद हो लास्ट टाइम पर हम लोग ऐसे ना साबुन देख रहे थे और उसके ऊपर लिखा हुआ हलाल,
एंड आई वाज लाइक मौजम इसमें हलाल की क्या जरूरत है, मतलब मुझे समझ नहीं आई कि साबुन है ऑर्गेनिक और वहां पर एक मतलब जो सेल्स पर्सन होते हैं वो भी खड़ी हुई थी लड़की, तो मतलब मैं मौजम से बात करी कि मतलब ये ऑर्गेनिक साबुन है तो इसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये मैं नोटिस ज़रूर अब करना शुरू हो गई थी। जैसे अभी मैं बहुत ही एक फ़नी साउंड आपको करेगी ये बात, लेकिन भाई यहाँ पर मैंने सुना हलाल मैट्रेस भी है पाकिस्तान में, हलाल मैट्रेस भी है। अच्छा अब मैट्रेस में क्या हलाल होगा ये सीरियसली हलाल मैट्रेस। एंड मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे और हम लोग हंस रहे थे उस बात को लेकर कि भाई ये क्या तुकबंदी है, हलाल मैट्रिक्स क्या होता है और हराम मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी हम लोगों को नहीं डिफरेंस पता। फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ बहुत देर पहले जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो मतलब ठीक है मुझे पता है फेथ के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरह का मतलब थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप समझ सको, आप उस चीज़ के आगे इतना मैनिपुलेट ना हो जाओ कि आपका सोचने समझने का वो जो एक खाना है वो ख़त्म ही हो जाए और आप अंधाधुंध फॉलो करना शुरू हो जाओ। क्योंकि अगर वेज प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कि बीच में पनीर का जिक्र किया, दालें सब्जियाँ और मतलब जो भी वेज प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भी लगता है कि उनमें तो हलाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और ना ही उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ बनती भी है कि आप सर्टिफिकेट लो। इवन कि मैं ये बोलूँगी कि पाकिस्तान में मुझे ये चीज़ें बहुत टाइम से देखने को मिल रही हैं कि आपको जो जैसे हलाल नेल पेंट्स मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहले मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चीज़ें लेने जाते थे ना, मैं इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं थी कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बट अब आकर इस तरह की एक आदत बन चुकी हुई है कि अब मुझे हैरानगी होती है कि आपको हर दूसरे पैकेट में ये चीज़ नज़र आती है जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन मैं एक बात बोलूँगी कि अगर ये एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि जिस तरीके से जो बिजनेसमैन है वो इस चीज़ को आप कह लो कि एक तरह से फ़ायदा अपना उठा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि खुद भी हमें सोचना चाहिए कि आया इस प्रोडक्ट में हलाल का कोई कॉन्सेप्ट बनता भी है या नहीं बनता है। और दूसरा, जो वाकई में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्यों भाई एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस चक्कर में, उनका भी तो नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि वैसे नुकसान तो सबका ही हो रहा है, क्योंकि 10-20 रुपए भी आप एक्स्ट्रा किसी प्रोडक्ट में दे रहे हैं सिर्फ एक मैनिपुलेट होकर, तो वहाँ पर सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी सब लोगों बाकी लोगों की तो मजबूरी बन जाएगी कि उनको ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन आप खुद बेवकूफ़ बनकर वो चीज़ें जो हैं वो खरीद। यार देखें, जो है ना वो एक कहावत है कि किसी का डर किसी का कारोबार, ठीक है ना, यानी कि अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर जो है आप एक टैग लगा दें, वो आप कारोबार जो है उसे बना लें, तो लोग जो है ना वो इस वजह से नहीं कि उस पर आपने एक टैग लगा दिया, वो इस वजह से क्योंकि उनके उनका एक डर ख़त्म करने के लिए ना आपने वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ ली है। क्योंकि भाई अगर जैसे इंडिया में जो है वो 70s के टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया गया, उससे पहले चले 70s को छोड़े 1947 से पहले की अगर बात कर लेते हैं, जब बिल्कुल ही ये एक ब्रांड्स का इतना ज़्यादा वो शोशा नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था, तब भी तो लोग जो है वो इसी तरह जो है वो चीज़ें वो कर रहे थे। हाँ, अगर आपने करना भी है तो जैसे सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो आपको जो है वो एक इस तरह का सिस्टम जो है वो नज़र आता है जिससे डायरेक्ट गवर्नमेंट को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करी बजाय इसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कलेक्ट करें, गवर्नमेंट जो है अगर वो कर रही है तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जो है वो बेनिफिट देती है। जैसे कि मैं सऊदीया की बात कर लें या और अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको जो है लॉस जो गवर्नमेंट किससे ग्रिप जो है वो नज़र आती है, तो अगर देखा जाए तो इस तरह बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि भाई जहाँ तक मेकअप प्रोडक्ट्स की बात आती है तो भाई खुद कहा जाता है कि यहाँ से जो है वो गधे जो है वो चाइना को जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आते हैं बनाने के लिए। अच्छा, मुझे हाँ, पता। मैंने बहुत देर पहले जो है वो ये चीज़ जो है वो ये मुझे पता है कि पाकिस्तान से गधे तो एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, लेकिन तो फिर क्या नाम लेते हैं वो क्या नाम लेते हैं चंद पैसों के लिए अगर आप जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो बेच देते हैं तो फिर वो फिर एक बिजनेस ही चल रहा है जिससे जो है सिर्फ इस वजह से कि भाई एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो अगर यूज़ भी कर ले तो भाई आपको जो है वो टेंशन नहीं होगी, तो फिर वो सिर्फ एक टैग्स बिक रहे हैं मार्केट में जो कि आपको नज़र आते हैं। क्योंकि हकीकत है मैंने बहुत सारे जो है वो पाकिस्तानी जो है वो इस तरह के देखे हैं, बेशक यहाँ पे दो नंबर काम कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन बाहर जाके वो जो है वो ढूंढेंगे भाई हलाल खाने को मिले। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात है। दूसरा मैं एक बात बोलूंगी कि मैंने ये देखा है कि जो बिजनेसमैन है ना वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की चक्कर में होता है। बिल्कुल, मतलब मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्रांड ऑनर्स को देखा है जो
मतलब दुनिया के जो हालात होंगे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने ब्रांड में इस्तेमाल करेंगे और उससे अन्ना पैसा जो है हालांकि अपने मुल्क में जो है ना ऐसी की तैसी फ्री हो चीज की, वहाँ पे पैसा देते हुए तकलीफ होती है, लेकिन दूसरे मोहल्ले में उनको पड़ा होता है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर सपोर्ट करना। दूसरा मोहल्ला भी नहीं कि चौथे मोहल्ले में कोई काम खराब हो रहा है ना, उधर वो कहेंगे कि हाँ भाई उधर जो है ना हम लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है वो इमदाद जो है वो अपने ब्रांड के जरिए जो है वो कलेक्ट करके चीज खरीदेंगे और उसका इतना परसेंट जो है वो हम लोग जो है वो चैरिटी वो फलाने मोहल्ले में भेज देंगे। भैया अपने मुल्क के देखने हैं, आपके मुल्क के बच्चों को जो है वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, उनको नशा नुमा की जो है वो ज्यादा जरूरत है। आप पहले अपने मुल्क को देखें, अगर वो स्टैंड कर जाते हैं फिर आपको लगता है कि हाँ भाई अब मैंने अपनी सोसाइटी के लिए इनफ कर लिया, फिर आप किसी और का भी भला कर लें। बिल्कुल। और फिर बीच में जो जैसे वो मौसम ने बोला ना कि गधे एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, तो वैसे ही गधे जो है ना वो शामिल भी हो जाते हैं उस तरह की डिबेट्स में और वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ना अपनी अकल का खाना जो है वो खोलना चाहिए। और ये हकीकत है, मैं अक्सर जो इस चीज़ की बात करता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है ना हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमें अपने पाकिस्तानी लोगों की जो है ना वो दर्द तकलीफ जो है वो उस तरह देखने को इनके महसूस नहीं हम करते जिस तरह चौथे मोहल्ले में कोई बंदा बैठा होगा, हाय उस बेचारे के साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि भाई पहले आपको ना अपने लोगों को देखना चाहिए कि आपके अपने लोग जो हैं वो किस तकलीफ से जो है वो गुजरे, फिर आप किसी और का सोच। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और मुझे ये लगता है कि ना हमारे लोगों को ना एक और चीज़ भी करनी चाहिए और वो ये कि देखें जो हमारा एक हमारा फेथ है ना वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसको हर चीज़ के साथ जोड़ के हम लोगों को किसी को ये राइट नहीं देना चाहिए कि वो हमें मैनिपुलेट करना शुरू कर दे। इनफैक्ट मेरा हाल में मैंने पिछले महीने ही एक पोस्ट भी पढ़ी थी जहाँ पर शायद कनाडा में या यूरोप के किसी कंट्री में पढ़ाई थी, कनाडा में ही वहाँ पर शायद KFC या फिर मैकडोनल्ड्स उन्होंने हलाल फूड का जो एक कह लो टैग जो है वो लगाना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली वहाँ पर डिमांड होगी लेकिन उसके साथ साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। सी बात है, 6,000 अरब डॉलर की जो 6 अरब डॉलर की 6,000 अरब डॉलर की जो मार्केट है और सारे जो वो ग्रैब करना चाह रहे हैं। इसमें भी ये बात बोली कि लोग इस साइड पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आपके कहने इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।